इसके द्वारा कर सकते हैं। अभी मेन प्रॉब्लम यह है कि 12 वोट की बात चल रही थी, यदि यहाँ 12 वोट नहीं आए तब भी हमारे 60 वोट नहीं आते, उस केस में हमने 909 को चेक करना है कि 909 के एसी वोल्ट यदि आ रहे हैं तो उसके आगे 18 वोल्ट भी निकलने चाहिए। यदि 909 के एसी 18 वोल्ट नहीं आ रहे तो भी हमारे 12 वोट यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि वही 18 वोल्ट यहाँ इसको मिलते हैं ब्रिज एक्टिवर को, और एसी को डीसी में बदल के चार डायोड के द्वारा एसी सप्लाई को 18 वोल्ट यहाँ एसी सप्लाई आती है इस 909 की। तो यहाँ अगर नहीं आ रही 18 वोल्ट एसी सप्लाई चेक करनी है तो भी आपके ट्रांसफार्मर नहीं चलेगा यदि 909 ख़राब है। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो 909 को बाहर निकाल के चेक कर लो एसी सप्लाई, यदि आ रही है तो फिर लगा दो यहाँ पे। और यहाँ 18 वोल्ट यदि आ गए उसके बाद आगे 12 वोल्ट नहीं आ रहे तो फिर 7012 को चेंज करके देखो। 7012 909 वो ट्रांसफार्मर है 909, अभी दिखाता हूँ, आप यहीं पर रखना। ये आपका 909 ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आप एसी सप्लाई देंगे इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे दो एक तार टूट चुकी है, यहाँ ऐसे तीन तारें हैं, ठीक है, एक दो और एक तीन यहाँ पे लगी हुई तार, ये तीन तार, ठीक है, तीन तारें होगी। यहाँ 9 वोल्ट और यहाँ 9 वोल्ट, 9 और 9 को मिलाएंगे कितना हो गया 18। तो यहाँ पे एक 9 और एक 9 यहाँ देते हैं तो ये 18 वोल्ट हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ 18 वोल्ट जाती है तो ये 18 वोल्ट ब्रिज एक्टिवर को मिलती है, चार डायोड को 1 2 3 4 IN4ER7 इनका नंबर है। तो ये डायोड जब ब्रिज एक्टिवर पर सप्लाई जाती है तो ये डीसी सप्लाई 7712 को देते हैं 18 वोल्ट की, इसको चालू होने के लिए 18 से 20 25 30 वोल्ट दे सकते हैं इसको चालू करने के लिए पहली टांग पे। तो दूसरी टांग इसकी अर्थ है, तो तीसरी टांग पे आउटपुट रेगुलेटर 12 वोल्ट मिल जाते हैं, जैसे कि कंट्रोलर में मिलते हैं चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए आईसी को 12 वोल्ट रेगुलेटर मिल गए। अभी 12 वोल्ट रेगुलेटर तो मिल गए, लेकिन क्या है कि कई बार क्या होता है कि 12 वोल्ट यदि यहाँ पे ना आए तो हमने 7712 चेक करना है, 909 चेक करना है, ठीक है जी, तो ब्रिज एक्टिवर चेक करना है, हमारा आईसी भी शॉर्ट हो जाता है, हम इसको चेंज करके देख सकते हैं, है ना, आईसी निकालेंगे यदि 12 वोल्ट आ जाते हैं फिर आईसी शॉर्ट है, चेंज करो, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा ये 12 वोल्ट का सेक्शन का पार्ट। आगे हमने यदि हम 12 वोल्ट सही आ रहे हैं तो फिर भी हमारे 60 वोल्ट नहीं आ रहे, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो आपने क्या करना, ये जो दो टांगे हैं है ना, इन दोनों टांगों को आपने ऐसे शॉर्ट करवा देना, ऐसे पेचकस से शॉर्ट करवा दो या फिर चिमटी बीच में लगा दो, कनेक्टर के बीच में चिमटी डाल देना, ठीक है। तो इसको ऐसे शॉर्ट करवा दोगे तो आप डायरेक्ट जब लगाओगे सीरीज में, सबसे पहले आपको कोई भी चार्जर चेक करना सीरीज में ही चेक करना है, डायरेक्ट नहीं चेक करना, डायरेक्ट तब चेक करना जहाँ वोल्टेज आ जाए तो चार्ज करने लग जाए, ठीक है। तो इन दोनों टांगों को आपने ऐसे शॉर्ट करवाना, चाहे चिमटी से करवा दो पेचकस से करवा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ एसी वोल्ट आते हैं तो वो तार आपकी डायरेक्ट ट्रांसफार्मर आपका मेन जो बड़ा ट्रांसफार्मर है वो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे डायरेक्ट हो जाएगा तो आपको पता वो 60 वोल्ट डायरेक्ट निकाल देगा, इनकी लोड नहीं पड़ेगी दोनों की, इसको आप करके ना ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को, मेन ट्रांसफार्मर यदि डायरेक्ट कर दें तो हमारा जो यहाँ से फिर कंट्रोल नहीं होगा वोल्टेज उसका, ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ट्रांसफार्मर, ओके। तो फिर उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि हमारा मेन बड़ा ट्रांसफार्मर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता लग जाएगा।